नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वक्त है तरकश का, आपको बताएंगे अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे है आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिनका आप पर होगा सीधा असर, पहुंचेंगे खबरों की तह तक। तो शुरू करते हैं तरकश तीर खबरों के। तरकश में बात सबसे पहले करेंगे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से पहले लगे 440 वोट के झटके की, जहां कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने इंदौर से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दी थी और अक्षय कांति बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे थे। वो लगातार प्रचार कर रहे थे, गली गली गांव गांव जाकर कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे थे। लेकिन 29 अप्रैल की सुबह अचानक प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से पलट गई। बम अचानक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं और नामांकन वापस ले लेते हैं। उनके नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी के लिए मैदान करीब करीब खाली हो गया, यानी कि बीजेपी के शंकर लालवानी के लिए मैदान पूरी तरह से साफ हो गया। अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नाम वापस लेकर कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने सोमवार को बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन वापस लिया, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर एक सेल्फी अपलोड कर इस बात की जानकारी दी। सेल्फी के साथ उन्होंने लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। तो वहीं अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी और बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। और वहीं अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने को लेकर प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा तेज कर दी है। जहां बीजेपी बम के नामांकन वापस लेने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस इसको बीजेपी की निर्लज्ज राजनीति बता रही है। कांति बम जी ने कांग्रेस के अंदर, संगठन के अंदर बम फोड़ दिया इंदौर में। वो क्यों ना फोड़े, बंदे का दुरुपयोग कर रही थी कांग्रेस पार्टी इंदौर, जो कि होम टर्फ है, होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है जीतू पटवारी की। वहां उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी चुनाव का पर्चा भरने की, क्योंकि वो जानते थे कि वहां भाजपा इतनी स्ट्रांग है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो उन्होंने अक्षय कांति बम को आगे कर दिया कि तुम मरो, तुम अपनी बदनामी कराओ, तुम चुनाव हारो, तुम अपनी जमानत जब्त कराओ। तो उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। प्रत्याशी चयन में कोई चूक नहीं हुई, पूरा प्रत्याशी सोच समझ के दिया गया। उसके बाद जो दबाव की राजनीति बनी इंदौर में, जिस तरह के नेता इंदौर में है, कैलाश विजयवर्गीय, मेंदोला, आप तो जानते हैं ना कि उनसे इस तरह की, उनसे कोई अच्छी राजनीति की तो उम्मीद की नहीं जाती। और उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, उनका रिकॉर्ड क्या है और किस तरह की चाल चलन और राजनीति है उनकी पूरी दुनिया जानती है। तो देखिए, अक्षय कांति बम कांग्रेस में बम विस्फोट कर चुके हैं और अब बीजेपी ये कहकर हमलावर है कांग्रेस पर कि कांग्रेस उनकी इज्जत नहीं करती और उन्होंने आदर सम्मान नहीं दिया अक्षय कांति बम को, और इसीलिए अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में उनका स्वागत भी किया गया है और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी लगातार खेल कर रही है। फिलहाल अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई, क्योंकि खजुराहो एक ऐसी सीट थी जहां पर वीडी शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको एक तरफा जीत मिलती हुई नजर आ रही थी। खजुराहो कांग्रेस से बिल्कुल सीट हाथ से निकल गई थी और अब उसी कड़ी में इंदौर भी वो सीट है जो कि कांग्रेस के हाथ से चली गई है।
क्योंकि अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने ही अपना नामांकन वापस ले लिया है। जहां मिशन 29 पर बीजेपी आगे दौड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कह रही थी कि 29 सीट्स बीजेपी को नहीं मिलने देंगे। अब इनमें से 2 सीट्स तो कांग्रेस के हाथ से पक्का चली गई हैं और बाकी की बची हुई सीटों पर मेहनत कितना रंग लाती है ये देखना बाकी होगी, क्योंकि 29 की 29 सीटों की जीत का दावा कांग्रेस की ओर से भी कहा गया और बीजेपी की ओर से भी। प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार तस्वीरें हम देखते रहे हैं कि बीजेपी ने कहा कि हम 29 कमलों की माला प्रधानमंत्री को अर्पित करेंगे, लेकिन अब इस कड़ी में 2 सीट्स तो कांग्रेस के खाते से बिल्कुल ही चली गई हैं। कांग्रेस हमलावर हो रही है बीजेपी पर, बीजेपी तंज कस रही है कि सम्मान नहीं मिलता, इसीलिए जो उनके नेता कार्यकर्ता हैं दामन छोड़ रहे हैं कांग्रेस का। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर लड़ाई है, क्योंकि 2 पर तो लड़ाई कमजोर हो गई। 1 पर विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग में सपा कैंडिडेट को उतरना था, नामांकन रिजेक्ट हो गया, और एक जगह अक्षय बम तो आत्मघाती बम बनकर फट गए। कांग्रेस पार्टी में ऐसा ब्लास्ट हुआ है, कांग्रेस पार्टी के पर खच्चे उड़ गए। बीजेपी नेता गीत धीर मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि बीजेपी गदगद नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि यह तोड़फोड़ की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में चल रही है। सर, एक सवाल छोटा सा मैं आपसे लूंगा, वो ये है कि अक्षय बम ये कौन से ऑपरेशन में आप लोग जुटे हुए थे? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दबा रहे थे आप, एक केस दर्ज भी पुराने मामले में 307 उन पर लगवा दिया। देखिए, ये राष्ट्रवादी विचारों का नतीजा है। केवल और केवल जब विकास की बात की जाएगी तो हर व्यक्ति प्रभावित होगा। निश्चित रूप से अक्षय जी भी जो हैं इसी तरीके से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, कांग्रेस के आते जाएंगे इतने तो? नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी जगह होती है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्थान है, और जनता की सेवा करने के लिए जो भी आना चाहता है उसके लिए स्थान भी है और उसके सेवा करने के लिए लक्ष्य भी है। वेलकम पॉलिटिक्स बीजेपी कब तक चलाएगी? ये वेलकम पॉलिटिक्स की इस प्रकार की कोई बात नहीं, हम तो एक लक्ष्य को लेकर चले हैं और वो लक्ष्य है हमारा राष्ट्रहित, राष्ट्र सर्वोपरि। तो उस लक्ष्य में जो भी हमारे साथ में मिलना चाहता है उसका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को झटके लग रहे हैं और एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है, वो मैं कुछ देर में साझा करूंगा। कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता कल बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, नाम भी बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन यहां बढ़ गई है। जीतू पटवारी जहां से आते हैं वहां पर लोकसभा प्रत्याशी नहीं, एंड वक्त पर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और हैरत वाली बात यह कि कांग्रेस पार्टी में पहली बार संभवतः इस इलेक्शन में इस साल ऐसा हुआ है कि किसी प्रत्याशी ने ही, राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी ने, वो भी खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। अक्षय बम की जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है उसे कांग्रेस पार्टी में इंटरनल और एक्सटर्नल भूचाल आ गया है। कहा जा रहा था व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं और एजुकेशन से जुड़े हैं, बहुत युवा इनसे कनेक्ट हैं लाखों, और लेकिन इन्होंने ऐसा फैसला लिया कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ एन वक्त पर वो भूचाल लाकर कार में सवार नजर आए। कांग्रेस पार्टी के देखिए, हमें उस घड़ी का भी इंतजार रहेगा जब आप वो बड़ी अपडेट हमसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।